सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार थोड़ा फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी टूडे पंजाब न्यूज चैनल पर। मैं हाँ तो सेम सिंह मठाड़ू लैके हाजिर हुए हैं जी अज के दिन दियाँ सुबह दियाँ ताज़ा तरीन और बड़िया खबर। दोस्तों इन्होंने खबरों शुरू कर तो पहले एक बार नज़र मारते हैं चुनवी खबर पर। पहली चुनवी खबर है कि EPFO ने दी वड्डी जानकारी, हुण पुरानी कंपनी तो मिनटां च कर सकोगे PayF ट्रांसफर। पंजाब च अतवादी हमले का अलर्ट, सरहदी खेत्रों में 24 घंटे लगनगे हथियारबंद नाके। पंजाब च इंसानों तो बाद हुण झोने ते गन्ने की फसल ते चीनी वायरस का वड्डा हमला। पंजाब च ETT लई हुण ग्रैजुएट होना जरूरी, सरकार ने विद्यक योग्यता च कीता बदलाव। मान सरकार लालड़ू विखे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करेगी स्थापित। पंजाब सरकार वालों इलैक्ट्रॉनिक वहीकल से 5 शहरों में सबसिडी देने का किया फैसला। सिख संगत वड्डी खबर, हुण बिना पासपोर्ट दे ही होणगे श्री करतारपुर साहिब के दर्शन। जगलात जमीन घोटाले च संदोआ का ना आने पर बोले अमृत अरोड़ा, भ्रिष्टाचार खिलाफ जीरो टोलरेंस नीति, चाहे साडा होवे चाहे कोई होर। रिलायंस जियो दुनिया का सब तो वड्डा 5G नैटवर्क दिवाली ते लांच होगा, मुकेश अंबानी। हाई कोर्ट का वड्डा फैसला, सरहदी खेत्रों में माइनिंग उत्ते लाई रोक। ई श्रम कार्ड बनाने लई 30 और 31 अगस्त को लगनगे रजिस्ट्रेशन कैंप, डिप्टी कमिश्नर। जानो सोने ते चांदी दियां कीमतां, किसानों वालों टैक्स वसूलन वाले गुंडियां अते पंजाब सरकार के खिलाफ कीता चक्का जाम। तो दोस्तों ये सी अपनी इस वेले दी चोणवी खबर। हुण गलबात करदे जी इन्हां खबरों की विस्तार नाल। कृपा करके जिहड़े दोस्त मित्र अपने चैनल पर नवे आए नूं चैनल नूं सबसक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दब लें, तां जो जिहड़ी असीं नवीं खबर पाया करांगे उहदी तुहानूं नोटिफिकेशन है वो मिल जाया करूगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं जी पहली वड्डी खबर की कि EPFO ने दित्ती वड्डी जानकारी, हुण पुरानी कंपनी तो मिनटां च कर सकोगे PF ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, जेकर तुसीं भी नौकरी करदे हो ते तुसीं हाल ही विच नौकरी बदली है तां तुहाडे लई बहुत अहम खबर है जी। हाल ही विच EPFO ने दस्सिया कि हुण तुसीं मिनटां विच अपना PF ट्रांसफर कर सकदे हो, इस लई तुहानूं किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पवेगा। चाहे तुसीं किन्नियां भी नौकरियां बदलियां होण, उस तों बाद भी तुसीं अपनी पुरानी कंपनी का PF बैलेंस मौजूदा कंपनी के खाते में ट्रांसफर करवा सकते हो। तुहानूं दिखाउंदे आ कि किवें तुसीं इस प्रक्रिया नूं किवें कर सकते हो, इस विच तुहानूं बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पवेगी। PF ट्रांसफर करने लई तुहाडे कोल एक क्रियाशील UAN नंबर अते इसका पासवर्ड होना चाहिए, नाल ही सारी जानकारी तुहाडे UAN नंबर में भरी जानी चाहिए है। बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर अपडेट किया जाना चाहिए है। नाल ही तुहानूं दस दिए कि तुसीं उन्हां सारियां कंपनियां दे मैंबर ID भी वेखोगे जिन्हां विच तुसीं कम कीता है। इस दे हेठां जो ID होवेगी उह तुहाडी मौजूदा कंपनी होवेगी। तुसीं व्यू पासबुक ते जाके अपनी सारियां कंपनियां दा PF बैलेंस देख सकोगे। पंजाब विच अतवादी हमले दा अलर्ट, सरहदी खेत्रां विच 24 घंटे लगनगे हथियारबंद नाके। पंजाब विच अतवादी अलर्ट नूं लै के पंजाब पुलिस ने एक प्लान तैयार किया है। इस तहत पाकिस्तान नाल लगदे सरहदी इलाकों में 24 घंटे हथियारबंद नाके लाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस हैडक्वार्टर ने जिले की टीम को भी अलर्ट कर दिता है। पंजाब पुलिस ने 23 जिले के सारे पुलिस इंस्पैक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल और पुलिस सुपरटेंडेंटों को निर्देश दिए हैं कि जिले में सारे संवेदनशील टिकाणे और संभावित टीचों से सुरक्षा प्रबंधन की योजनाबद्धी दे समीक्षा करने लई निजी तौर पर शामिल हो। पंजाब च इंसानों तो बाद हुण झोने ते गन्ने की फसल ते चीनी वायरस का वड्डा हमला। दुआबे के हल्के च चाइना वायरस का ना की घातक बीमारी झोने ते कमार की फसल ते लगातार फैल रही है। काफ़ी दिनों ते इस वायरस कारण दिन ब दिन झोने ते गन्ने की फसल खराब होंदी जा रही है। किसानों ने सरकार ते खेतीबाड़ी महकमे खिलाफ़ रोस प्रगट करदे दस्सिया कि खेतीबाड़ी महकमे दीआं डाक्टरों की कोई टीम साडी सार लैण नहीं आ रही। हुण तक ना ही खेतीबाड़ी डाक्टरों नूं इस वायरस का कोई तोड़ लभ्या है। पंजाब च ETT लई हुण ग्रैजुएट होना जरूरी, सरकार ने विद्यक योग्यता विच कीता बदलाव। दोस्तों पंजाब च एलीमेंट्री टीचर ट्रेनिंग ETT करन लई विद्यक योग्यता बदल दित्ती गई है। सरकार ने हुण 12वीं पास की बजाय ETT करन लई घट्टो घट विद्यक योग्यता ग्रैजुएशन की है। पिछले हफ्ते हुई कैबिनेट मीटिंग में इस नूं मंजूरी दे दित्ती गई है। दरअसल सरकार वालों एक कदम पिछली सरकार वालों की गई गलतियां सुधारन के इरादे चुकया गया है। इस दे नाल ही 994 ETT दियां असामियां ते भर्ती लई प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस विच इक वड्डी
राहत दिंदे कहा गया कि 12वीं ईटीटी पास करने वाले भी इन असाइनमेंट लिए अपलाई कर सकते हैं। तुहानू दस दिए कि 2018 में सरकार ने एक वड्डा बदलाव करते हुए ईटीटी नौकरी लई योग्यता बीए की, जदों कि ईटीटी करने लई कोई बदलाव नहीं किया गया। ईटीटी करने लई घट्टो घट योग्यता सिर्फ 12वीं पास ही रखी गई थी। अजिही स्थिति में ईटीटी कर रहे ये अध्यापक नौकरी लई अपलाई नहीं कर सके। उन्होंने पहला बीए करना लाजमी सी, जिस कारण वो कई नौकरियों लई अपलाई नहीं कर सके। नौकरियां हासिल करने वालियां इन्हां ईटीटी अध्यापक यूनियनों वालों मुख्यमंत्री भगवंत मान तो लैके सिक्ख्या मंत्री कोठी अगे लगातार धरना दिता जा रहा है। मान सरकार लालड़ू विखे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करेगी स्थापित। दोस्तों वड्डी खबर है जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली सूबा सरकार ने लोगों की जान माल की राखी को यकीनी बनाने लई पंजाब फायर एंड एमरजेंसी सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने का फैसला किया है। ये उत्तरी भारत में अपनी किस्म का पहला इंस्टीट्यूट होगा। इस दिन नौजवानों को अग नाल वापरन वाली घटनावां नाल निजिठण लई नवीनतम तरीकों की सिक्ख्या दी जाएगी। इस संबंधी जानकारी देंदे हुए स्थानक सरकारां मंत्री डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर ने दस्सिया कि यह हाईटैक इंस्टीट्यूट SAS नगर के लालड़ू कस्बे में बनाया जाएगा। तकरीबन 20 एकड़ कर रकबे में बनने वाला यह इंस्टीट्यूट भारत सरकार तो मानता प्राप्त होगा। तो यह पंजाब फायर एंड एमरजेंसी सर्विस विभाग के अधीन होगा। पंजाब सरकार वालों इलैक्ट्रॉनिक वहीकल से 5 शहरों में सबसिडी देने का किया फैसला। लुधियाना तो खबर है जी, पंजाब इलैक्ट्रॉनिक वाहनों को वध प्रफुल्लित करने भगवंत मान सरकार वालों पंजाब इलैक्ट्रॉनिक वाहन नीति को प्रवानगी दी गई है। फिलहाल इस 5 शहरों में लागू किया जाएगा, जिस में लुधियाना पटियाला जलंधर अमृतसर और बठिंडा शामिल है। पंजाब सरकार वालों इलैक्ट्रॉनिक वहीकलों के 5 शहरों में सबसिडी देने का जो फैसला लिया गया है। पंजाब सरकार ने इन शहरों में इलैक्ट्रॉनिक वाहन वरतों में लियाने यह फैसला किया गया, क्योंकि पंजाब फीसदी वाहन इन शहरों ही संबंधित हैं। मैट्रो सिटी होने करके इन शहरों में प्रदूषण और ट्रैफिक की वड्डी समस्या है, जिस तो छुटकारा दवाने सरकार वालों ये फैसला लिया गया है। इस नीति नाल मान सरकार नूं 25% वध ईवान दी विक्री होने की उम्मीद जागी है। सिख संगतां लई वड्डी खबर, हुण बिना पासपोर्ट दे होणगे श्री करतारपुर साहिब दे दर्शन। जी हाँ दोस्तों, सिख संगतां लई वड्डी खबर है जी, सिख संगतां दी मंग ते भारत सरकार ने सरहद दे भारती पासे दर्शन स्थल बनाउण दी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस दिन जिस नाल बिना पासपोर्ट तो भी संगतां नूं करतारपुर साहिब के खुले दर्शन होणगे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट ते यह जानकारी करदिआं कहा कि भारत सरकार वालों एक विशेष कार्रवाई के अधीन 9 मीटर उच्चा टावर बनाउण जा रही है। कई लोग करतारपुर के दर्शन पासपोर्ट ना होने कारण नहीं कर पाते सन, वो हुण इस टावर राही श्री करतारपुर साहिब के खुले दर्शन दीदार कर सकणगे। दस दिए कि इतों गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थान करतारपुर साहब के सीधे दर्शन दीदारे होंगे। इस राही एक बार 450 लोग दर्शन कर सकेंगे। इस दे अंदर वड्डियां वड्डियां स्क्रीन होनगियां ते पूरी तरह एयर कंडीशनर होगा। इस टावर राही वो होना है बिना पासपोर्ट के दर्शन कर सकेंगे। इस राही जिहड़ी संगत श्री दर्शन स्थल 6 महीनों में मुकम्मल हो जाएगा तो संगत नूं श्री करतारपुर साहब गुरद्वारा साहब के दर्शन करवाएगा। जंगलात जमीन घोटाले में संदोआ का नाँ आने पर बोली अमन अरोड़ा, भ्रिष्टाचार खिलाफ़ 0 टॉलरेंस नीति चाहे साडा होवे चाहे कोई होर। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि भगवंत मान की सरकार की भ्रिष्टाचार खिलाफ़ 0 टॉलरेंस नीति चाहे साडा होवे चाहे कोई होर होवे। भ्रिष्टाचार करने वाले हर व्यक्ति नाल सख्ती वरती जाएगी। अमन अरोड़ा की यह टिप्पणी सबका आप अमरजीत सिंह संदोआ का नाँ जंगलात जमीन घोटाले में आने से। अरोड़ा ने कहा कि जेकर अमरजीत सिंह संदोआ का ना किसी कपले में आ रहा है तो इसका जवाब वो ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला 2019-20 का है, उस समय अमरजीत सिंह कांग्रेस में सी ते तुसी कांग्रेस के सभ्याचार को जानते हो, शायद इसलिए उस समय अजिहा होया सी। उन्होंने कहा कि असी अपने मंत्री खिलाफ़ भी कार्रवाई की है तो होर लोगों खिलाफ़ भी कार्रवाई की है जो भी दोषी होंगे। एयरलाइंस जियो दुनिया का सब तो वड्डा 5G नैटवर्क दिवाली ते लॉन्च होवेगा। मुकेश अंबानी एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अज अपनी सालाना जनरल मीटिंग कर रही है। एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के चेयरमैन अते MD मुकेश अंबानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही कंपनी की 45वीं सालाना आम मीटिंग नूं संबोधन कर रहे हैं। एयरलाइंस इंडस्ट्री के निवेशकों के नाल नाल कारपोरेट जगत नज़र भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की AGM ते टिकिया हुई ने। यह एक वड्डी घटना जिस दौरान निवेशक और विश्लेषक वड्डियां घोषणावां करन दी उम्मीद करते हैं। इस दौरान मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि जियो 5G हर तरह नाल असल
5G ਹੋਵੇਗਾ, ਜੀਓ 5G, ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ 5G ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕਰੀਅਰ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇਗਾ। 5G ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 5G ਲਾਂਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ। ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। BSF ਦੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਈ ਸ਼੍ਰਮ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 30 ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈ ਸ਼੍ਰਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ 30 ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, BDPO, ਸਮੂਹ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕਿਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕਰ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ, ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਮੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਮਛੇਰੇ, ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪ ਸਮੂਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਈ ਸ਼੍ਰਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਣੋ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ 24 ਕੈਰਟ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 53,180 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗਾ 54,780 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ 1,600 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 52,800, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ 52,900, ਜਾਣੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਰੇਟ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਾਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 52,700 ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ 52,300, ਜਾਣੀ ਕਿ 400 ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ। ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਸਟ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 3,000 ਮਜ਼ਦੂਰ, 2,000 ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ, ਹਲਕੇ ਭਰਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਪਏ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਸੁਬਹਾ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ। ਹੁੰਦਲੀ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।